गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, क्रोमा मीन्स कलर्ड एंड सोमा मीन्स बॉडी. ओके, द टर्म क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड क्रोमा कलर्ड एंड सोमा बॉडी इन 1875. स्ट्रैसबर्गर द साइंटिस्ट नेम इज स्ट्रैसबर्गर. When working on cell division, observed some thread-like structure inside the nucleus. And W. Waldeyer, 1888, has called this thread-like structure as chromosomes. As they could be stained with the help of stain like acetocarmine and acetoorsin, etc. These chromosomes play a vital role in heredity hence. They are called as the carrier of heredity or genes. ओके, ये chromosomes जो है वो heredity में parent से offspring तक सारे character को ले जाने में बहुत ही important role play करते हैं. So it is called carrier of heredity. और इनका structure हम देखेंगे, ये genes से बने होते हैं. So it is called genes. In 1902, Sutton has studied the functional significance of chromosomes and proposed the theory of chromosomal basis of heredity. ठीक है, and when we talk about number of chromosomes, the number of chromosomes in somatic cells of higher plants and animals is called diploid or somatic number. Diploid means 2n. ओके, डिप्लॉइड का मतलब होता है डबल, यानी 2n. डबल मीन्स पेयर में होंगे, तो 2 इंटू एन यानी जितनी भी संख्या में क्रोमोसोम है उसको 2 कर दो, यानी पेयर में कर दो, तो जितना भी उसका मल्टीप्लिकेशन आता है उतना क्रोमोसोम्स उस एनिमल्स के या प्लांट्स के बॉडी में होगा या उसके न्यूक्लियस में होगा. वाइल इन गैमेट्स इट इज हैप्लॉइड आर गैमेटिक. अगर हैप्लॉइड हम बोल रहे हैं दैट मीन्स ये पेयर में नहीं है, एंड वी आर कॉल इट्स एन, शोइंग इट्स एन, मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं वो मल्टीपल में नहीं हैं, पेयर में नहीं हैं, लाइक 9, 11, 21, 33 एक्सेट्रा. एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन ऑल द सोमेटिक सेल्स ऑफ द ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज. सभी स्पीसीज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सोमेटिक सेल्स में वो इक्वल ही होते हैं. लाइक ह्यूमन बींग्स में 30 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं अगर सोमेटिक सेल में, तो एक ह्यूमन बींग्स के सेल में तो 23 पेयर्स होंगे ही. सभी ह्यूमन बींग्स के सोमेटिक सेल्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे, एंड इट इज़ अ डिप्लॉइड नंबर. द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड जीनोम, एंड दस अ डिप्लॉइड सेल कंटेन टू गैमेट जीनोम्स लाइक 2n इज इक्वल टू 4 और 6 और 8 और मोर देन. ओके, सो मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज फाउंड इन म्यूकर हिमेलिस, 2 क्रोमोसोम्स ओनली, एंड वेयर एज मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन टेरिडोफाइटिक प्लांट ओफियो ग्लोसम रेटिकुलेटम. 2n इज इक्वल टू 1262. It is the more than number of maximum number of chromosomes, and in your book some organisms and their chromosomes are shows like यहाँ पर protist in amoeba 250 and fungi like penicillium 7 and plant rice plant it is 24, wheat plant it is 42, and in animals house fly 12, frog 26,
ह्यूमन बींग्स 46. ओके, एंड वेन वी टॉक अबाउट साइज एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, द साइज ऑफ क्रोमोसोम्स इज फिक्स्ड फॉर ईच स्पेसिफिक. जैसे कि इसका नंबर फिक्स होता है, वैसे इसका साइज भी हर एक किसी एक स्पीसीज के लिए फिक्स होता है. एंड दी साइज साइज ऑफ द क्रोमोसोम शुड बी मेजर्ड एट मेटाफेज स्टेज. मेटाफेज स्टेज में डिवीजन, जब सेल डिवीजन चलता है तो उसके मेटाफेज स्टेज में इसको बहुत ही क्लियरली देखा जा सकता है, काउंट किया जा सकता है. व्हेन क्रोमोसोम्स बिकम क्लियर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, है ना, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो है वो सबसे ज़्यादा क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. एंड द क्रोमोसोम्स आर जनरली 0.2 to 50 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.2 to 30 माइक्रोमीटर इन विथ. द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम आर फंगी एंड बर्ड्स इज 0.25 माइक्रोमीटर, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट. एंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स इज फाउंड इन अ प्लांट ट्राइलियम, अप्रॉक्सीमेटली 30 माइक्रोमीटर्स. एंड द शेप ऑफ क्रोमोसोम इज चेंज्ड इन ईच स्टेज ऑफ सेल डिविजन. एंड इंटरफेस क्रोमोसोम्स अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड. जैसे हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था, क्रोमेटिन का थ्रेड लाइक नेटवर्क उसमें होता है, तो इंटरफेस में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नेटवर्क बनाकर रखता है. एंड ड्यूरिंग प्रोफेस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक. एंड सेंट्रोसोम आल्सो बिकम्स क्लियर. मेटाफेस क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोसोम. द क्रोमो सेंट्रोमियर इज कंस्ट्रिक्टेड रीजन एंड इज नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और काइनेटोकोर आल्सो. इसको काइनेटोकोर्स भी बोलते हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होता है वहाँ पर सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर होता है. ओके, सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर की संख्या के आधार पर क्रोमोसोम्स को क्लासिफाइड किया गया है. लाइक मोनोसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक मीन्स जिसमें एक ही सेंट्रोमियर होता है इन ईच क्रोमोसोम्स. एंड डाइसेंट्रिक में टू सेंट्रोमियर होगा. पॉलीसेंट्रिक में मोर देन टू सेंट्रोमियर आर प्रेजेंट. एंड एसेंट्रिक में सेंट्रोमियर नहीं होगा, विदाउट सेंट्रोमियर. एंड सच क्रोमोसोम्स सो फ्रेशली ब्रोकन सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विच डू नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम. एंड डिफ्यूज्ड आर नॉन लोकेटेड ऑन होलोसेंट्रिक विथ अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रोमियर स्कैटर्ड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, एंड द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, लोकेशन एंड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रोमियर आर डिस्क्राइब्ड एज टीलोसेंट्रिक. टीलोसेंट्रिक मीन्स दीज आर रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स विथ टर्मिनल सेंट्रोमियर्स सो दैट दे पॉसेस ओनली वन आर्म. ओके, एंड एक्रोसेंट्रिक दीज आर आल्सो रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स बट विथ सब टर्मिनल सेंट्रोमियर. इन टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स वन आर्म इज वेरी लॉन्ग एंड अदर वन इज वेरी शॉर्ट लाइक दिस. एंड सब मेटासेंट्रिक दीज आर एल शेप्ड क्रोमोसोम्स विथ सेंट्रोमियर slightly away from the midpoint to that the two arms of the chromosomes are unequal like this. And metacentric these are V-shaped chromosomes in which centromere is located in the middle of the chromosome so that two arms are almost equal and formed V-shape of the chromosomes for during anaphase. And let's start to structure of chromosomes
डिटेल मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स इज बेस्ड स्टडीड ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पेशली ड्यूरिंग मेटाफेज एंड एनाफेज क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज एंड एनाफेज स्टेज आर कंपोज ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स पेलिकल मैट्रिक्स दिस इज अ पेलिकल एंड द लिक्विड फुलफिलिंग दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स एंड क्रोमेटिड्स like this and chromomeres like this इसमें क्रोमेटिड्स में क्रोमोमियर्स होते हैं बटन लाइक स्ट्रक्चर एंड टीलोमियर्स ओके एंड सेंट्रोमियर आर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सेटेलाइट तो ये इसका क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है. तो पेलिकल्स की बात करें तो सम साइंटिस्ट बिलीव दैट ईच क्रोमोसोम्स इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कार्ड पेलिकल. क्रोमोसोम्स का जो मेम्ब्रेन होता है इट इज़ कार्ड पेलिकल एंड मैट्रिक्स इट इज़ अ जेली लाइक होमोजीनियस ग्राउंड सब्सटेंट विच इज इनक्लोज्ड बाय पेलिकल. द प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स इट इज controversial but in Luzula campestris odorus a plant belonging to the family Junceus its existence is clearly indicated. Okay, isme jo jelly like structure fulfill hota hai wo kya kehlata hai matrix kehlata hai and chromatids ya chromonemata At metaphase, a typical eukaryotic chromosomes consist of two chromatids held together as centromeres, and a chromatid is a half chromosome. इसका जो शाखा या ब्रांच होगा during prophase and sometimes during interphase, the chromosomal materials become visible as very thin filaments, which are called chromonemata, and which represent chromatids in early states of condensation and chromatids and chromonemata singular word hai ye and therefore are two names for some structure it was first observed by Boranet Jacky in 1880 okay and chromomeres what is chromomeres during prophase stage of cell division the chromonemata possess numerous bead like structure called chromomeres yahan pe bead like structure ekdam chota chota bead ke like structure show ho raha hai and it is called chromomeres and the region is between the designed as inner chromomeres these chromomeres are considered to carry the genes during inheritance okay and telomeres the round shaped tip of chromosomes like this called telomeres and it provide stability to the chromosomes and project their individuality because the telomeres and do not form any permanent association with the other parts of the homologous or non-homologous chromosomes whereas the broken ends may join okay and centromere are primary construction it is also known to be as kinetochore according to Schrader chromomere is the condensed and modified part of chromosomes where chromosomes thread are connected together and the position of chromosomes is fixed for every type of chromosomes and it determines the shape of chromosomes okay and secondary construction it is another constant morphological feature of some chromosomes which help in their identification and it is distinguished from the primary construction by the absence of marking angular deviation of chromosomal segment during anaphase movement okay and satellite the terminal
पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स बियॉन्ड सेकंड कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सेटेलाइट. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ जीन्स, डीएनए. डीएनए को ये कैरी करता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग. जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो डीएनए होता है जीन के रूप में, ये पेरेंटल कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाता है. एंड चेंजिंग इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर्स. एंड द हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड वेराइटीज. एंड सम क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स आर वाई डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके, सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है एंड नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.